सौ साल बाद अंततः वो दिन आ ही गया जब लुईस बेल की पार्थिव शरीर को बहुत ही राजकीय सम्मान के साथ वापस से निकाला गया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दुनिया में जो व्यक्ति अंधेरे के गुमनामी वाली जिंदगी में चले जाते हैं यानी दृष्टिहीन हो जाते हैं, चाहे वो दुर्घटना के कारण हो या बाई बर्थ हो, उनके जीवन में एक प्रकाश का उजाला भरने का जो सराहनीय काम किया है वो अतुलनीय है। उनके इस सामाजिक सहयोग के लिए जीवन में उनके लिए हम जितने भी ऋणी हों वो कम है। आज के दिन यानी कि 4 जनवरी को हर दिन कुछ खास कहता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता आज बताने वाली हूँ लुई ब्रेल की कहानी। लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि की पहचान की और इस दुनिया में ब्रेल लिपि को एक मान्यता दिलाने के लिए अनवरत संघर्ष किया। पूरे जीवन उन्होंने ये संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा ये है कि आज जो भी बच्चे दृष्टिहीन हैं, जो दृष्टि बाधित हैं, उनके जीवन में ज्ञान की एक रोशनी आई है और वो पढ़ लिख सकते हैं, वो पढ़ाई लिखाई को समझ सकते हैं। ये देन है लुई ब्रेल की, जिनका आज के दिन यानी 4 जनवरी को बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। उनके बहुत सारे ऐसे योगदान हैं और ऐसा उनका जीवन का संघर्ष रहा है जिससे कोई भी व्यक्ति हार मान ले। ब्रेल लिपि को उन्होंने संस्कृत किया और उसके बाद जब उसके मान्यता देने की बारी आई तो बहुत सारे शिक्षाविदों ने उस बात को नकार दिया और पूरे जीवन उन्होंने अपने अंधकार भरे जीवन में वो चीज़ें फेस की और दुनिया को उजाला दिया। एक ऐसा बच्चा जिन्होंने अपने 3 वर्ष की आयु में दृष्टिहीनता का शिकार होते होते 8 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते अपने जीवन की सारी रोशनी खो दी। उन्हें ससम्मान मिला इस काम के लिए जब ब्रेल लिपि को मान्यता दी गई तो इतिहासकारों ने और बहुत सारे उन लोगों ने, शिक्षाविदों ने जिन्होंने उनका अपमान किया, उनके सम्मान के लिए इस दिवस 20 जून 1952 को कुप्रे जो उनका ग्राम था जहां पर उनके पार्थिव शरीर को गाड़ा गया था वहां से निकालकर उन्हें सशरीर राजकीय सम्मान के साथ बाहर निकाला गया और उन लोगों ने जिन्होंने उनकी इस ब्रेल लिपि के ज्ञान को सराहने की जगह बहुत दुत्कारा था, उन्होंने उनसे राष्ट्रीय सम्मान और सामाजिक रूप से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उन्हें फिर वापस से पूरे राजकीय सम्मान के साथ वापस से दफनाया गया। सेना के आला अधिकारियों द्वारा उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में वापस से लपेटा गया और उसके बाद फिर से सब भूमि बजाई गई और पूरे सम्मान के साथ उनके शरीर को वापस से धरती में गिरा दिया। ऐसा सौभाग्य मिला लुई ब्रेल को जिन्होंने दृष्टिहीन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि के क्षेत्र में एक ऐसा उजाला फैलाया जो कि जीवन में बहुत ही उन बच्चों के लिए जरूरी था और उन बच्चों के लिए कामगर साबित हुआ जो देख और सुन नहीं सकते, जिनके साथ शायद प्रकृति ने अन्याय किया उनके साथ साथ लुई ब्रेल ने एक ऐसी पहल, एक ऐसी खोज की जो उनके जीवन को प्रकाश में भर कर देती है, प्रकाश में भर देती है। तो उनकी जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ऐसे महान लोगों की कहानी हर दिन कुछ खास कहता है आपके। समस्याओं में गिरकर कभी कभी व्यक्ति सिर्फ उस समस्याओं के लिए रोता रहता है, लेकिन लुईस ब्रेल एक उदाहरण बने कि जब जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो सिर्फ ना अपने जीवन के लिए हल निकाल कर गए बल्कि आने वाली जो भी पीढ़ियां थी, जो भी ब्लाइंड बच्चे थे या किसी दुर्घटना के कारण उनके जीवन में इस तरह का अंधेरा आया तो उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हमेशा जलता रहे। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में छोटे ग्राम कुप्रे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन का अतिरिक्त मेहनत का कार्य हुआ करता था। इसके अलावा बालक लुईस जब 3 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने
उसे भी अपने साथ घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा लिया। अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करते, इसलिए बालक लुईस की खेलने की वस्तुएं वही थीं जो उसके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग की जाती थी, जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के धारदार औजार। किसी 3 वर्षीय बालक का अपने नजदीक उपलब्ध वस्तुओं के साथ खेलना ही और शरारतों में लिप्त रहना नितांत स्वाभाविक भी है। एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटते समय चाकू अचानक से उछलकर इस नन्हे बालक की आंख में जाकर लग गया। बालक की आंखों से खून की धारा बहने लगी। रोता हुआ बालक अपनी आंखों को हाथ में दबाकर सीधे घर आया और घर में साधारण जड़ी लगाकर उसकी आंख में पट्टी कर दी गई। शायद यह माना जा रहा था कि छोटा बालक शीघ्र ही चोट से स्वतः ठीक हो जाएगा। बालक लुईस की आंख के ठीक होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। कुछ दिन बाद लुईस ने अपनी दूसरी आंख में कम दिखाई जाने की शिकायत घर पर की, परंतु यह उसके पिता साइमन की साधनहीनता रही होगी अथवा लापरवाही भी, जिसके चलते बालक की आंख का समुचित इलाज नहीं हो पाया और धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 वर्ष की आयु पूरा होते होते पूरी तरह दृष्टिहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। अपने पिता के चमड़े के उद्योग में उत्सुकता रखने वाले लुईस ने अपनी आंखें एक दुर्घटना में गंवा दी। ये दुर्घटना लुई के पिता की कार्यशाला में घटी, जहाँ 3 वर्ष का एक बालक सूजा लगने के कारण धारदार वस्तु के कारण चोटिल हो गया और हमेशा के लिए ब्लाइंडनेस की दुनिया में चला गया। अपनी दुनिया को अंधेरे में जाने के बाद कोई भी टूट जाता है, लेकिन लुई ब्रेल ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे। उन्होंने अंधकार में प्रकाश की ऐसी ज्योत, ऐसी आत्मविश्वास अपने अंदर जगाई जो आज दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये कोई साधारण बालक नहीं रह गए, एक स्पेशल चाइल्ड के रूप में इन्होंने अपने मन स्थिति, मन इच्छा शक्ति को और जागृत किया। उनके मन में संसार से लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति थी। उन्होंने हार नहीं मानी और फ्लोरेंस के मशहूर पादरी वैलेंटाइन के शरण में जा पहुंचे। पादरी वैलेंटाइन के प्रयासों के चलते 1819 में इस 10 वर्षीय बालक को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड में दाखिला भी मिल गया। इसके बाद विद्यालय में बालक लुईस को पता चला कि शाही सेना के सेनानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने सेना के लिए ऐसी कूट लिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वो टटोल कर अंधेरे में भी संदेशों को पढ़ सकते हैं। कैप्टन चार्ल्स बार्बर का उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था। बालक लुईस के मस्तिष्क में तुरंत ही एक विचार जागा कि सैनिकों के द्वारा टटोल कर पढ़ी जाने वाली कूट लिपि में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने की संभावना हो सकती है। उसने पादरी वैलेंटाइन से यह इच्छा प्रकट की कि वो कैप्टन चार्ल्स बार्बर से मुलाकात करना चाहते हैं। पादरी ने लुईस की कैप्टन से मुलाकात की व्यवस्था कराई। अपनी मुलाकात के दौरान बालक ने कैप्टन के द्वारा सुझाई गई कूटलिपि में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने उस अंधे बालक का आत्मविश्वास देखकर अपने आप को दंग रहने से, प्रभावित रहने से रोक नहीं पाए। अतः पादरी वैलेंटाइन के इस शिष्य के द्वारा बताए गए संशोधनों को उन्होंने स्वीकार भी किया। वैसे तो ब्रेल लिपि को मान्यता शुरू में नहीं मिली। कालांतर में स्वयं लुईस ब्रेल ने 8 वर्षों के अथक परिश्रम से इस लिपि में अनेक संशोधन किए और अंततः 1829 में 6 बिंदुओं पर आधारित ऐसी लिपि बनाने में सफल भी हुए। लुईस ब्रेल के आत्मविश्वास की अभी परीक्षा होनी बाकी थी, इसलिए उनके द्वारा आविष्कृत लिपि को तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा मान्यता नहीं दी गई और उनका मखौल मजाक उड़ाया गया। सेना के सेनानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर के नाम का साया लगातार इस लिपि पर मंडराता रहा और सेना के द्वारा उपयोग में लाए जाने के कारण इस लिपि की सेना की कूटलिपि ही समझा जाता था। परंतु लुईस ब्रेल ने हार नहीं मानी और पादरी वैलेंटाइन के संवेदात्मक, आर्थिक एवं मानसिक सहयोग से इस शिष्य ने अपनी आविष्कृत लिपि को दृष्टिहीन व्यक्तियों के मध्य लगातार प्रचारित करने लगा। उन्होंने सरकार से प्रार्थना भी की कि दृष्टिहीन की भाषा के रूप में से मान्यता प्रदान की जाए। ये लुईस का दुर्भाग्य रहा कि उनके प्रयासों को सफलता नहीं मिल सकी और तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा इसे भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने योग्य भी नहीं समझा गया। अपने अनेक प्रयासों, सामाजिक एवं संवैधानिक मान्यता दिलाने के संघर्ष में लुईस 43 वर्ष की अवस्था में ही 1852 में अपने जीवन की लड़ाई हार गए, परंतु उनका हौसला मृत्यु के बाद भी चलता रहा और यह लड़ाई कि लिपि, इस लिपि को ब्रेल लिपि जो है उसे मान्यता मिले, और ये मान्यता मिली उनकी मृत्यु के बाद। लुईस ब्रेल द्वारा इसका 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि उनकी मृत्यु के उपरांत दृष्टिहीनों के मध्य लगातार लोकप्रिय हो गई। लुईस की मृत्यु की घटना के बाद शिक्षा शास्त्रियों द्वारा उनके किए गए कार्य की
कार्य को गंभीरता से समझा भी जाने लगा और दृष्टिहीनों के मध्य लगातार मान्यता पाती जा रही लिपि के प्रति अपने पूर्व ग्रहण दकियानुसी विचारों से बाहर निकलते हुए इसे मान्यता प्रदान करने की दिशा में विचार किया गया। अंततः लुईस की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद फ्रांस में 20 जून 1952 को उनके सम्मान का दिवस निर्धारित किया गया और ऐसा सम्मान जो शायद इतिहास में किसी का हुआ हो। इसके अलावा भारत सरकार ने भी इनके जन्म दिवस के दिन इस ऐतिहासिक भूल का प्रायश्चित भी किया। सिर्फ एक राष्ट्र के द्वारा सम्मान किए जाने भर से उस व्यक्ति की श्रद्धांजलि पूरी नहीं होती। विगत वर्ष 2009 में 4 जनवरी को जब लुईस ब्रेल के जन्म को पूरे 200 वर्ष का समय पूरा हुआ तो लुई ब्रेल जन्म द्विशती के अवसर पर हमारे देश ने उन्हें पुनः जीवित करने के लिए एक डाक टिकट उनके सम्मान में जारी किया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 से ये दिवस 4 जनवरी को सेलिब्रेट भी किया जाने लगा। तो लुईस ब्रेल की ये अद्भुत आत्मविश्वास से भरी कहानी और उनके जीवन में जो अंधकार आया उससे उन्होंने जो ज्ञान का प्रकाश आने वाले भविष्य को दिया वो अपने आप में अतुलनीय है। वो उन बच्चों के लिए अतुलनीय है जो इस दुनिया में आए हैं लेकिन इस दुनिया को देख नहीं सकते, लेकिन उनके जीवन में ज्ञान की गंगा अनवरत एक ऐसे व्यक्ति के कारण बह रही है। तो ऐसे महान आत्मा को शत शत नमन। और आज का दिवस आपको कैसा लगा वीडियो को जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।